बट ये बात तो निधि ने अभी आई गेस सही कही कि एक्चुअली मैं थोड़ा एग्रेसिव खेला था। हर बार से ऐसे ही होता है, विकेंडी का कुछ नया नहीं है तो। देखो मेरे को ना पता है, मतलब मैंने ना पहला मैच में उठा और मैं देखा 10 किल, जब याद है जॉनी कोबी पे कोबी मार रहा था एरेंगल में, तब मैंने देखा था और मैंने उसके बाद ही ना शायद मैंने बोला स्टार्ट अच्छा हुआ बढ़ देगा, इसके लोग पैसिव हो जाएंगे, क्योंकि मेरे को पता है कि उसके बाद लोग पैसिव हो जाते हैं, तो पैसिव नहीं होना था सकते वो। देन मेरे को तो लगता है कि अगर गॉड लाइक एग्रेसिव खेलती ना, मेरे को तो लगता है 30-35 तो किल रहते, 35 तो किल्स होते हैं उनके, अगर मैं गलत हूँ, शायद मैं गलत हो सकता हूँ, बट मेरे को ऐसा लगता है 28 तो अभी, हाँ बिना मारे अगर 28 है, अगर लोग मारते हैं तो मेरे को तो लगता है फिर 40 आई गेस स्किल्स में 40 निकल जाता है, 10 पॉइंट इधर से आ जाता है। उसके हुआ दिखा कितना इंप्रेसिव अकेला प्लेयर, ये देखो मारना होता तो ये मार सकता था, इसने तब भी नहीं मारा, नो फुट बैठा है और ये प्री फायर देते हुए घुसेगा क्योंकि एचपी कम है, हल्का सा भी चांस नहीं लेना, प्री फायर देते हुए घुस रहा है, कैसे कैसे, हाउ हाउ इज इट इवन पॉसिबल बड़ी। देखा ये देखा तुम देखोगे ये नीचे लेफ्ट साइड में आने की कोशिश करोगे, भाई जैसे ही कूदा इधर फंसा, पीछे देखो तुम, पीछे देखो हल्का सा, अगर तुम पीछे आओगे जैसे ही कूदा तुरंत, ये देखो तुरंत आके बस वो जंप करके नीचे, बंदा जैसे हाथ टिकाता है वो करा इसने, ये पक्का है कि ये तो रो रो के भी बोलेगा ना मेरे को, ये तो रो रो के भी बोलेगा ना मेरे को, ये तो रो रो के भी कच्चा फाड़ दिया, चड्डी बनिया सब फट गए और तो भी मेरे को बोलेगा नहीं ये मैंने प्रेडिक्ट किया था। भाई मैं तो माँ कसम बोल रहा हूँ, मैं तो प्रेडिक्ट ना कर पाऊँ, मैं तो प्रेडिक्ट ना कर पाऊँ इतना। नीचे आके लेफ्ट साइड में